कदम जिनके अस्थिर हो उन्हें रास्ता नहीं मिलता, निश्चल मन के मानवी को हिमालय रोक नहीं सकता। एक आदर्श राजनेता कैसा होता है? जिसको लोगों ने चुना हो, जिसके हर कार्य में प्रजा का हित और स्मित समाया हो, ऐसा ही एक राजनेता दिया है गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के हणोल गांव ने। एक जून सन 1972 में गुजरात के पालीताणा क्षेत्र के छोटे से गांव हणोल के किसान परिवार में जिनका जन्म हुआ। बचपन से ही जिनके मन लोगों का सुख ही सबसे बड़ा धर्म है और अपने माता पिता से दिए गए नाम के गुणों को सार्थक किया है, वैसे राजनेता यानी माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया। इसी गांव की खेत की मिट्टी में बोया था उन्होंने एक सपना। वो थका नहीं, वो हारा नहीं, क्योंकि वो किसान का बेटा था। बचपन से ही कुछ समस्याएं बहुत ही नजदीकी से देखी थी। मजबूर किसान, कन्याओं में शिक्षण का अभाव, घरों को बर्बाद कर देने वाला व्यसन और महंगे इलाज से परेशान जन जन। बस ठान लिया उन्होंने कुछ करने का संकल्प। इस संकल्प की नींव में है उनका शैक्षणिक अभ्यास। उनका प्राथमिक शिक्षण उन्हीं के गांव हणोल की सरकारी स्कूल में हुआ। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे छोटे से शहर सोनगढ़ में हुआ। सोनगढ़ शहर की लाइब्रेरी गांधी ज्ञान मंदिर में 5 वर्ष के अंतराल में उन्होंने पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली और यहां से उनके जीवन में परिवर्तन आया। भावनगर यूनिवर्सिटी और दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में उन्होंने उच्चतर अभ्यास किया। सन 1992 में अपने अभ्यास काल के दौरान ही वे संघ की शाखा में जुड़ गए और संघ के कार्यों में पूरी लगन से काम करने लगे। 20 साल की आयु में श्री मनसुख भाई मांडविया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभ्य बने और फिर सन 1996 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और विभिन्न भूमिकाओं में अपना श्रेष्ठ योगदान देने लगे। सन 1998 में श्री मनसुख भाई मांडविया पालीताणा तालुका के मंडल अध्यक्ष बने। सन 2002 के चुनाव में पालीताणा क्षेत्र के विधायक पद से श्री मनसुख भाई मांडविया चुने गए। तब वे गुजरात के युवा विधायकों पैकी में से एक थे जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में ही विधायक पद को प्राप्त किया हो। विधायक पद को प्राप्त करने के बाद उनको उन सारी बातों और तकलीफों का स्मरण हुआ जिनका अनुभव उन्होंने बचपन से ही किया था। सन 2004 में 123 किलोमीटर और सन 2007 में 127 किलोमीटर की दो पदयात्रा की। 45 से भी अधिक गांव में उन्होंने कन्या के लवणी झूठ पदयात्रा एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और व्यसन हटाओ जैसे विचार का प्रचार और प्रसार किया। उनकी इस पदयात्रा का समाज पर बड़ा ही गहरा प्रभाव हुआ। मनेरा प्रयास 21वीं सदी ना गुजरात नो पायो नाखवा नो प्रयास देखाय। आपड़े ध्यान कोई तपस्या करे यात्रा करे तो एने स्पर्श करिए तो पुण्य मळतुं होय छे कहेवाय छे। હું અહીંયા મનસુખ ભાઈ ની ચરણ રજ લેવા માટે આવ્યો છું। सन 2010 में वे गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने और चेयरमैन पद पर रहकर किसानों को फसल के अच्छे दाम मिले इसीलिए किसान मंडली की रचना की और विदेशी निकास को बढ़ावा मिले उस दिशा में नई क्रांति लाए। अपनी कार्यनिष्ठा से श्री मनसुख भाई को भारतीय जनता पार्टी से सन 2012 में देश के सर्वोच्च सभागृह राज्यसभा में बतौर सांसद भेजे गए। मनसुख भाई को भविष्य के उज्जवल से मैंने साफ देखा। एनामा पड़ेगी शक्तियों आवती काल की उजालवानी है
એનો મને પૂરેપૂરો અંદાજ થયો છે. એનામાં અપાર ધૈર્ય પડ્યું છે, ધગસ પડી છે, અવિરત નિષ્ઠા અને સમર્પણ સાથે જજુમવાની આવડત પડી છે. મિત્રો, જાહેર જીવનમાં કામ કરનાર લોકો પાસે એક સાથે આટલા બધી ચીજો હોવી એ ભાગ્ય જ હોય છે. માંડવ્યાજી કો ઇન્હી ઉર્જા और कार्यों के मद्देनजर रखते हुए सन 2013 में गुजरात भाजपा के सेक्रेटरी पद पर नॉमिनेट किया गया. श्री मनसुख भाई ने राजनेता बनने के बाद भी लोगों की समस्या से मुंह मोड़ा नहीं. अपने संगठन कौशल्य की काबिलियत से तालुका एकम प्रमुख पद से लेकर गुजरात प्रदेश भाजपा महामंत्री के पद तक की जिम्मेदारी का भावपूर्ण वहन किया. वर्ष 2014 में भाजपा द्वारा चलाई गई मेंबरशिप ड्राइव में माननीय मनसुख भाई मांडव्या के नेतृत्व में 1,13,00,000 सदस्य बीजेपी पार्टी का हिस्सा बने और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप से उभर कर आई. सन 2015 में उनको गुजरात प्रदेश संगठन के महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया. इस पद पर आज भी वो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं. श्री मनसुख भाई सामाजिक, राजकीय और शैक्षणिक हर पहलू पर अपने विचार रख सके ऐसे विद्वान राजनेता है. सन 2015 में उन्होंने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना वक्तव्य दिया, जिसे काफी सराहना मिली. मिस्टर मांडविया, मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 5 जुलाई सन 2016 में उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे, शिपिंग, केमिकल एवं फर्टिलाइजर विभाग के मिनिस्टर का पद संभाला. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. श्री मनसुख भाई मांडव्या ने जो लगन और निष्ठा से आज तक देश के खातिर जो कार्य किए हैं, उस कार्य के बागीचे में आज परिणाम के पुष्प लहरा रहे हैं. प्रथम टर्म की 6 साल की सफल अवधि के बाद माई जर्नी इन पार्लियामेंट किताब के माध्यम से वे जनता के सामने अपने कार्यकाल का हिसाब लेकर उपस्थित हुए. इस किताब का विमोचन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया और अपना हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मनसुख भाई मांडविया इज यंग, इज डायनेमिक, इज एक्टिव, ही ऑलवेज कीप्स इन टच विद द पीपल, मीटिंग पीपल, ग्रीटिंग विद पीपल, वॉकिंग विद द पीपल, ईटिंग विद द पीपल, स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल हैज बीन हिज हैबिट. यू नीड सच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ऐसी पार्लियामेंट सदस्य होना चाहिए, लोगों से हमेशा मिलते रहना, उनका सुख दुख पूछते रहना और पार्लियामेंट में सवाल उठाना और सरकार का याद दिलाना, यही संसद सदस्यों का काम होना चाहिए. माननीय मनसुख भाई स्वयं को आजीवन विद्यार्थी मानते हैं. आज भी जब कभी उनको नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी को समझने का अवसर प्राप्त हो, तब वे तत्पर रहते हैं. इसी कारण उन्होंने बहुत सारे देशों में प्रवास किया है. हर देश की नई टेक्नोलॉजी के हर पहलू को समझने का पूरा प्रयत्न किया. इसी वजह से हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी को मनसुख भाई के अध्ययन का सीधा लाभ प्राप्त हुआ. सोलह जनवरी 2019 से 22 जनवरी 2019 तक उन्होंने पूज्य गांधी बापू की 150वीं जन्म जयंती को उत्सव की तरह मनाने के लिए भावनगर जिले में तय की 150 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसमें उन्होंने 3 अहम हेतु को जोड़कर इस पदयात्रा का विचार प्रस्तुत किया था. पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर
गांधी जी के मूल्यों को उजागर करने का प्रकल्प और पूज्य बापू के 11 महाव्रत के साथ साथ बुनियादी शिक्षण को जन जन तक पहुंचाने हेतु इस पदयात्रा का आयोजन हुआ। बुनियादी संस्थाएं एवं 150 गांवों को जोड़कर इस पदयात्रा की सफलता से आज गांधी विचार की ध्वनि और भी बुलंद हुई है और पूज्य बापू प्रेरित बुनियादी शिक्षण को काफी बढ़ावा मिला है। अब पदयात्रा ना जे समाचार मने मळ्या कि व्यापक लोक समर्थन रह्यु, जन भागीदार रही, गामडे गामडे गांधी ने परिवार एक बार याद करवामां आव्या, आजना संदर्भ में याद करवामां आव्या, मने पूरी खातरी छे कि आ प्रयोग मात्र भावनगर जिला पूरतो के भावनगर नी अंदर गांधीयन इंस्टिट्यूट नी जे परंपरा रही छे ए परंपरा पूरतो सीमित नहीं रहे। मनसुख भाई आ सफल प्रयोग कर्यो, जना रिपोर्ट खूब उत्तम अने उत्साहजनक छे। भावनगर नी धरती पर पण जे संदेश निकली रह्यो छे ए गुजरात मां ने देश मां पहोंचशे एवा विश्वास साथे खूब खूब शुभकामनाओ, अनेक अनेक अभिनंदन। मनसुख भाई को प्रकृति से बेहद लगाव है, इसी वजह से आज भी वे साइकिल से संसद पहुंचते हैं। वे सांसदों के साइकिल क्लब के प्रमुख भी बने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी, तब मंत्री पद के शपथ लेने भी राष्ट्रपति भवन साइकिल से ही गए। पारदर्शकता और सादगी का ऐसा समन्वय शायद ही कहीं और होगा। प्रधानमंत्री मोदी का हर गरीब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का सपना पूरा करने के लिए श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने अपने मंत्रालय के स्तर पर उम्दा कार्य किए हैं। उनके मंत्रालय की पहल से हार्ट ऑपरेशन में लगने वाले स्टेंट की अधिकतम कीमत 30,000 रुपए तय की गई। पहले इसके लिए आम जनता को इससे कई गुना पैसा स्टेंट डलवाने के लिए खर्च करना पड़ता था। मनसुख भाई अपने मंत्रालय के जरिए जेनेरिक दवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और आज देश में 5,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत है। रोड सेफ्टी के हेतु वे सदैव कार्यरत है और मार्ग परिवहन जागृति और विकास के हेतु उन्होंने उठाए हुए कदम प्रशंसनीय है। इतनी सारी विद्वत्ता पाने वाले मनसुख भाई को आप अगर मिलो तो एक शांत, सौम्य और हर किसी को सम्मान देने वाला सामान्य आदमी ही महसूस होगा। श्री मनसुख भाई मांडविया जी आज पूरे समर्पण भाव और तन्मयता के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के स्वप्न को साकार करने की दिशा में बगैर थके निरंतर कार्य कर रहे हैं। ओ राही तू चलता रहे, रुकना तुझे न मंजूर, टूटना तुझे न कबूल, तेरे कदम कदम पर चलेगा आने वाला कल। ओ राही तू चलता रहे, तू ही पथदर्शक।